गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? एंड स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड सम थ्योरीज बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड, ओके? एंड टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट फॉर्मूलाज, ओके? एंड दिस न्यूमेरिकल इज सम लार्जर देन द प्रीवियस न्यूमेरिकल. There are some steps for the calculation of such type of numericals. Okay, what are that steps? If questions are if questions have multiple steps or some more things are to be known, okay, then we will do step by step. This numerical have value of 5 marks, okay? So for such type of numerical, we will do numerical step by step. Suppose in this question, with the help of example, we will do, and I will told you what are the first step, second step, third step and fourth step. ओके बच्चों, आज जो हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं प्रीवियस फार्मूले पर, अब ये थोड़े न्यूमेरिकल टिपिकल हैं, थोड़े हार्ड हैं, ठीक है? मगर कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेप वाइज अगर करेंगे, न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे. और हर स्टेप में एक पॉइंट है, तो ये न्यूमेरिकल जो है लगभग 5 मार्क्स के हैं. 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे. हम इस न्यूमेरिकल के माध्यम से उसका पूरा स्टेप बताएंगे, ठीक है? ओके, तो अब ध्यान दीजिए, इधर सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, सब विजिबल है आप लोग को, ओके? द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ HF is 3.2 into 10 to the power minus 4. Calculate the percentage of dissociation if HF in its 0.02 m solution. Question में क्या है, ionization constant HF के लिए hydrogen fluoride के लिए दिया हुआ है, okay? Clear है? Hydrogen fluoride के लिए K दिया हुआ है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, सिंपल. अब उसके बाद हमें इसका परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है कि कितना परसेंट HF डिसोसिएट हो रहा है. इफ इट्स 0.02 m सॉल्यूशन, 0.02 m के सॉल्यूशन में कितना वो डिसोसिएट हो रहा है उसका हमें परसेंटेज निकालना है. इतनी बात क्लियर है? ओके. कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ आर स्पीसीज, इसमें हर स्पीसीज का कंसेंट्रेशन निकालना है, ठीक है? जैसे H2O का कितना कंसेंट्रेशन होगा, फ्लोरीन का, फ्लोराइड आयन का कितना कंसेंट्रेशन होगा और HF का कितना कंसेंट्रेशन होगा, ये निकालना है. यहाँ पे ये H3O+ है, H3O+ का कंसेंट्रेशन निकालना है, ठीक है? और इसके अलावा जो है कि pH भी सोल्यूशन का निकालना है. तो इसमें सबसे पहला काम तो ये हमें करना है, देखना है कि रिएक्शन क्या हो रहा है. पहला स्टेप, रिएक्शन हमारा जो है एसिड है या बेस हो रहा है. इस हम जो चीज़ लिए हैं HF एसिड है या बेस है, ये हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से पता करेंगे. क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, ये स्टेप वाइज है. स्पेसिफाई एसिड एंड बेस, स्पेसिफाई एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस, ओके? तो ये अब यहां पे हमें एसिड बेस पता करने के लिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का यूज करेंगे. प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस,
क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पे ये हमारा है HF, ठीक है, HF हमारा है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं HF प्लस H2O, ओके दिख रहा है, H दिख रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा H3O प्लस एंड F माइनस, इतना क्लियर है। तो हमारा HF यहाँ पे क्या होगा, यस एसिड है, इसने प्रोटॉन दिया, ये क्या है एसिड है, इसने इसको प्रोटॉन दिया है, ठीक है, तो HF हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया एसिड है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया ब्रॉनस्टेड थ्योरी के हिसाब से। अब बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ये पता करने के बाद हमारा स्टेप क्या है अगला, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे, ओके। चलिए तो हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको ये स्टेप में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल न्यूमेरिकल से इसे समझा रहे हैं, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप था स्पेसिफाई करना था कि जो हमें कंपाउंड मिला है वो क्या है, एसिड है या बेस है, तो हमने ब्रॉनस्टेड थ्योरी से एसिड बेस पता कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, तो बैलेंस करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि प्रोटॉन एक ही है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन होगा HF प्लस H2O गिव्स H3O प्लस और प्लस F माइनस, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इसके बाद हम रिएक्शन में पता करेंगे कि किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, तो एसिड को पानी के अंदर मिलाया गया होगा, एसिड को मिलाया गया होगा, यानी एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है ये, तो इसका मतलब हमारा जो एसिड है, जो हमारा एसिड है वो क्या है, जो हमारा एसिड है वो उसके लिए भी के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और वाटर का के वैल्यू हम जानते हैं, वाटर का के वैल्यू जानते हैं, थर्ड स्टेप पे अब चल रहे हैं हम, तो वाटर का के वैल्यू कितना हमारा होता है 1 × 10⁻¹⁴ कंपेरिजन करेंगे थर्ड स्टेप में, ठीक है, थर्ड स्टेप में आते हैं कंपेयर करते हैं, हमारे पास दो रिएक्शन है, अब इसको आप धीरे धीरे इरेज करेंगे। हैव यू नोटेड दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हमने ये क्वेश्चन को इरेज कर दिया, स्टेप नंबर थर्ड में आ गए हम, स्टेप नंबर थर्ड में हम दो रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे HF gives H plus and F minus, और इसके लिए K दिया हुआ है, कितना दिया था 3.2 × 10⁻¹⁴, 3.2 × 10⁻¹⁴। अब एसिड के वाटर के लिए अगर देखेंगे तो यहां से H प्लस और OH माइनस होगा, और इसके लिए KW की वैल्यू क्या होगी 1 × 10⁻¹⁴,
अब यहां पे के ए इज ग्रेटर देन के डब्ल्यू है, तो ऐसे केस में कौन सा रिएक्शन डोमिनेट है, कौन सा रिएक्शन डोमिनेट है, डोमिनेट है हमारा पहला वाला, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डोमिनेट है, क्योंकि यहां पे के की वैल्यू के डब्ल्यू से क्या है बहुत छोटी है, तो हम प्रिंसिपल रिएक्शन किसको मान लेंगे, प्रिंसिपल रिएक्शन हमारा क्या है, प्रिंसिपल रिएक्शन इज वन, हमारा पहला इक्वेशन प्रिंसिपल रिएक्शन हो गया, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है, हमारा कितना हो गया थर्ड स्टेप, पहले स्टेप में हमने स्पेसिफाई किया हमें एसिड मिला है कि बेस मिला है, दूसरे स्टेप में हमें क्या मिला, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया पता किया कि कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा, सॉल्यूशन में चूंकि रिएक्शन है तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा वाटर है वो डोमिनेट है या जो एसिड है वो डोमिनेट है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया वाटर के लिए और एसिड के लिए दोनों के लिए के डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी, ठीक है, यहां से अब इसको हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने में क्या मिला हमें कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो प्रिंसिपल रिएक्शन हमारा क्या हो गया ये पता लग गया, यानी तीसरे स्टेप में हमें पता लगाना है प्रिंसिपल रिएक्शन, क्योंकि केस कोई भी हो सॉल्यूशन अगर बना हुआ है तो एक हमारा वाटर रहेगा ही, वाटर से हम कंपेयर करेंगे, अभी यहाँ पे एसिड दिया है तो एसिड का लिखा हुआ, बेस दिया हुआ तो बेस का, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, बात क्लियर है, समझ में आ रही है अच्छी सी बात, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ओके, तो अब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप पे क्या करना है हमें, अब हमें सबका इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन लिखना होगा, जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रिया में रिएक्शन न्यूमेरिकल लगाते थे अब वैसा काम करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, तो अब फोर्थ स्टेप में हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पे, अब एक बार फिर से रिएक्शन लिखते हैं, एच एफ प्लस एच टू ओ गिव्स एस थ्री ओ प्लस और प्लस एफ माइनस, ओके, तो हमारा इनिशियल क्या है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल हमारा यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन दिया 0.02, ठीक है, कंसेंट्रेशन कितना दिया क्वेश्चन में देख लीजिए 0., हाँ ठीक है, और इनिशियल अगर ये है तो ये 0.0 होगा, अब सोचोगे कि हमने यहाँ वाटर को छोड़ दिया, वाटर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमने वैल्यू क्या देखा ये इससे बहुत छोटा है, ठीक है, तो जो डोमिनेट कर रहा है उसको हम लेते चलेंगे, अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम चेंज कितना हुआ, चेंज अल्फा के टर्म में कितना चेंज हुआ, तो उसको चेंज को लिखेंगे, तो यहां पे चेंज कितना होगा, यहां से 0.02 कम हो जाएगा, ये 0.002 अल्फा बनेगा, ये 0.02 अल्फा बनेगा, ये दोनों प्लस में, ठीक है, और यहां से हमारा कम कितना खत्म कितना हो गया 0.02 अल्फा, ये हमारा कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है, आई बात समझे, अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पे कितना कंसेंट्रेशन होगा उसको देखेंगे, तो
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन शॉर्टकट में लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो अब क्या करना है हमें, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा इसको कर देंगे और ये हमारा तो इतना ही रहेगा, प्लस 0.02 अल्फा और ये प्लस 0.02 अल्फा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लिखेंगे। अब हमारा ये जो है कि एक थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो था यहाँ पे, ये फोर्थ चौथा स्टेप था, फोर्थ स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है। अभी एक बार हम पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लस और एफ माइनस अपॉन एच एफ, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर है, दिख रहा है ना, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 0.02 अल्फा इंटू 0.02 अल्फा अपॉन 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, ये वैल्यू हो गई। और एक चीज और, हमें के ए की वैल्यू पता है 3.2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, ये नोट हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और करके यहाँ पे माइनस 1.6 × 10⁻⁴ एक मिनट इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको अगर और ऐसे लिख दें, इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन 0.02 अल्फा स्क्वायर इसको कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम जो है 0.02 माइनस 0.02 अल्फा ही रहने देते हैं, अल्फा, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ से 0.32 × 10⁻⁴। अब एक बार इसको नोट कर लिया सबने, Have you noted this? Okay. Erase कर दे इसको। चलिए एक बार अभी हम revise करेंगे। जहाँ confusion है तुरंत पूछते रहिए, यहाँ कहीं भी confusion है, yes। अब इसके बाद
इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको 2 × 1.6 कर देते हैं, ठीक है, 2 × 1.6 कर देते हैं इसको, तो 2 से 2 एक यहाँ कट जाएगा, 2α² बचेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये 0.2α² अपॉन, यहां से 0.02 कॉमन ले लेते हैं, 0.02, ओके, और ब्रैकेट में 1 - α आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगी, रुक जाओ, इसको हम क्लियर और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसको ओपन किए, 0.02α × 0.02α अपॉन, इसको 0.02 कॉमन ले लिए, तो 1 - α इधर से बचा, और ये हमारा हो गया 3.2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ से एक तो ये कट गया है, क्लियर है, और इसको अगर यहां से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.02α² / 1 - α, ओके। और इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻², ओके। तो अब इस पोर्शन को यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लिख दें यहाँ पे 0.02 को लिख दें 2 × 10⁻², बड़ा लिखते हैं 2 × 10⁻²α² / 1 - α, ओके, और इक्वल टू यहाँ पे 2 × 10⁻⁴, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁴, तब ये 2 कट जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस स्टेप में क्या बच रहा है, हमने यहाँ पर रफ कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया था, अब यहाँ से हमारा हो गया ये हो गया 1α² / 1 - α, ओके, ये हमारे पास कट के बचेगा 1.6 × 10⁻², ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लिया सबने, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है, चलो। और ऐसे भी देख लो कौन कौन नोट किया है, ले लेना व्हाट्सएप से तो भी मिल जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1α², ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1.6α - और ये हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻⁴, ओहो कितना दिमाग, 10⁻², अल्फा, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻²। अब जरा हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, थोड़ा साइन चेक कर लेते हैं कहाँ पे कितना साइन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हमारा साइन क्या होगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस साइन हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से α = क्या हो जाएगा, -b + - √b²
माइनस फोर ए सी, ओके माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, वन लिखा है, ये हमारा ए है, बी है और ये सी है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करनी है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ओके अपॉन कितना हो जाएगा 2a, a a हमारे यहाँ पे क्या है 1, तो नीचे बचा हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, ठीक है, और वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पे हमारा अल्फा का दो वैल्यू मिलेगा हमें, एक तो मिलेगा माइनस 0.12 और एक मिलेगा हमारा यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू प्लस 0.12। तो हम ये प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है, हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कैसे इजी किया, ये कट गया यहाँ पे, इसको हमने पावर में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया यहाँ पे 2 इंटू इतना, तो ये यहाँ से कटेगा, ये पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और इसको 4 रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा और ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 कट गया यहाँ पे, ये 2 कट गया यहाँ पे और ये यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या माइनस 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1.6 बचा, इसको हमने ओपन कर दिया, ये पूरा ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रख दी, अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन पता लग गया कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करेंगे तो इसको नोट कर लिया सबने, हैव यू नोटेड दिस, ओके ठीक। अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, थोड़ा देखिए ये न्यूमेरिकल है, 5 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल आएगा, तो यहाँ से अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन ये हमारा हो जाएगा 0.12 इंटू 100 कर देंगे तो ये 12% आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सबका कंसंट्रेशन चाहिए, सबका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे बैलेंस इक्वेशन के बाद सारी वैल्यू नीचे रखे थे कंसंट्रेशन वाली, एक बार फिर फटाफट रख देते हैं। यहाँ से तुम्हारे पास क्या था, HF प्लस H2O गिव्स, यहाँ पे हमारे पास H3O प्लस एंड प्लस यहाँ पे F माइनस था। एट इक्विलिब्रियम हम क्या देखे थे, इक्विलिब्रियम पे हमें क्या मिला था, बोलो यस, तो ये हमारा था यहाँ पे 0.02 माइनस 0.02 अल्फा और ये हमारा यहाँ पे क्या था 0.02 अल्फा और ये 0.02 अल्फा। अब इस अल्फा की वैल्यू डाल के यहाँ पे रख दे, नहीं इस अल्फा की वैल्यू, तो हमारा कंसंट्रेशन सबका पता लग जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, बहुत लेट कर रहे हैं नोट करने में, ठीक है। तो यहाँ से कंसंट्रेशन आप HF आ जाएगा, अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.12, ओके, और इसके बाद यहाँ से H3O प्लस आ जाएगा हमारा, ठीक है,
तो ये हो गया 0.02 × 0.12, और इसके बाद ये हमारा f की वैल्यू आ जाएगी, ये 0.02 × 0.12। अब जो जो आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे, जल्दी करिए। तो चलो, तो इन दोनों का तो सेम आ गया, 2.4 × 10⁻³ एम कंसंट्रेशन आ गया, 2.4 × 10⁻³ एम हो गया। ठीक है, इस वाले का बताओ इसका कितना आ रहा है, जल्दी करो। आया किसी का? यस, ठीक है, 17.6 × 10⁻³ एम इसका भी आ जाना चाहिए। ओके, देखते हैं। गुड, वेरी गुड, सही आंसर। अब हमें पीएच निकाल लेना है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। तो यहाँ से एच प्लस हमारा कंसंट्रेशन क्या है, इन दोनों में कोई भी ले ले, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2.4 × 10⁻³। अब इसको लॉग सॉल्व करना हमने बता दिया अच्छे से, और पीएच निकालना भी जान चुके हो। तो अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो ये कैलकुलेट करके देखना, 2.62 आना चाहिए पीएच, ये आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा काम किया। ओके, अब इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा, जितने न्यूमेरिकल होंगे सारे न्यूमेरिकल लगा लोगे। सबने नोट कर लिया तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम न्यूमेरिकल से मिलेंगे, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल बचे हैं, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल हम बता देंगे आप लोग को। ओके, थैंक यू, बाय।